नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश के शहरों और गांवों में आज बत्ती रहेगी गुल। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों के दौरान राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधियों की हर सहूलियत का ख्याल रखा जा रहा है। आयोजन के दौरान जरा भी विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए पिटकुल भी विद्युत लाइनों और उपकरणों की मरम्मत कर रहा है, जिसके चलते गुरुवार को सुबह 9 से शाम करीब 4 बजे तक शहर और आसपास के ग्राम इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस बाबत ऊर्जा निगम के ऋषिकेश डिवीजन ने विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ताओं को भी अवगत करा दिया है। खुद की लाइनों की मरम्मत को भी निगम ने इसी समय अंतराल में तय किया है। बिजली गुल रहने से भीषण गर्मी से स्थानीय लोगों को दिक्कतें पेश आ सकती हैं। सैर सपाटे के लिए यहां पहुंचने वाले सैलानियों को भी विद्युत आपूर्ति ठप रहने से दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। सीमांत गांव गुंजी से होगा पीएम मोदी का मेगा प्लान का आगाज, उत्तराखंड भाजपा ने दिया न्योता। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महा जनसंपर्क अभियान करने जा रही है। इसमें पीएम मोदी विशाल रैलियां करेंगे। उत्तराखंड भाजपा ने पीएम मोदी को महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पिथौरागढ़ के सीमांत गांव गुंजी से करने का न्योता दिया है। रुड़की भगवानपुर में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़, आरोपी मौके से फरार। भगवानपुर थाना पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर नकली सीमेंट बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके से भरे हुए नकली सीमेंट के कट्टे और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मौका पाकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। NFSA फ्री राशन में शामिल हुआ मंडुआ, MSP पर खरीदने की रणनीति तय। देहरादून में हुए मिलेट महोत्सव के बाद कृषि मंत्री रणेश जोशी ने कहा कि सरकार किसानों को मंडवे को MSP पर खरीदने की रणनीति बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मंडवा खरीद की जा रही है। 200 साल की होने जा रही पहाड़ों की रानी सेलिब्रेशन का काउंटडाउन हुआ शुरू। मसूरी उत्तराखंड का ऐतिहासिक शहर है, इसे अंग्रेजों ने बसाया था। मसूरी को 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस खास मौके पर मसूरी के टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज से कार्यक्रम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हरचूला SBI मैनेजर की इलाज के दौरान मौत, सिक्योरिटी गार्ड ने पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र धारचूला भारतीय स्टेट बैंक में तैनात गार्ड द्वारा बैंक मैनेजर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग से झुलसे भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच मैनेजर की इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। 6 मई को बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने छुट्टी नहीं मिलने पर दफ्तर में बैंक मैनेजर के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। पाबों में शरारती तत्वों ने जंगल में सुलगा दी आग, बुझाने में छूटे वन कर्मियों के पसीने। पौड़ी जिले में कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, ये लोग जंगल को आग के हवाले कर रहे हैं। पाबों में भी शरारती तत्वों ने जंगल में आग सुलगा दी, जिसके चलते वन कर्मियों के साथ ही ग्रामीणों को काफी दौड़ा भागी हुई। वन कर्मियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं वन विभाग के अधिकारी आग लगाने वाले शख्स को खोज रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कारोबारी लापता, परिजनों ने जताई किडनैपिंग की आशंका। नैनीताल के हल्द्वानी में एक मोबाइल विक्रेता संदिग्ध परिस्थितियों में सोमवार को लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद थक हार कर परिजनों ने हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज करवाया। परिजनों ने अपहरण के साथ ही अनहोनी की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। स्कूटी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, चालक की दबकर मौत। स्कूटी सवार युवती को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक की दबकर मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार युवती की जान बाल बाल बच गई। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। कथित यौन उत्पीड़न मामले में सांसद ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग, उत्तराखंड में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। मंगलवार को कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कथित यौन शोषण के आरोपों में घिरे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। काम के मूड में रहे या न रहे, पर हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, हरीश रावत ने गिनाई पीएम मोदी की खूबी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे थे। यहां उन्होंने खुलकर सभी सवालों के जवाब दिए। कर्नाटक जीत को काफी अहम बताते हुए हरदा ने आने वाले सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की घोषणा कर दी। इस बीच को हरिद्वार लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर भी बोले। यही नहीं, हरदा ने पार्टी में किसी भी प्रकार की कलह की खबरों से इनकार किया और सीएम धामी से लेकर पीएम मोदी तक जुबानी हमला किया। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया। हरिद्वार में मां के प्रेमी ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी को खोज रही पुलिस। हरिद्वार में शर्मनाक वाकया सामने आया। यहां महिला के प्रेमी ने ही उसकी बेटी को हवस का शिकार बना डाला। हैरानी की बात यह थी कि महिला ने इसका विरोध नहीं किया। जब बेटी ने पिता को आपबीती बताई तो तब जाकर यह घिनौना राज खुल पाया। अब पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आरोपी महिला के प्रेमी को पुलिस खोज रही है।
चमोली में बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध, हेलंग के पास पहाड़ी से गिरा बड़ा पत्थर। मानसून ने अभी तक दस्तक भी नहीं दी और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का सिलसिला शुरू हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। चमोली पुलिस के ट्वीट से मिली जानकारी के अनुसार हेलंग के पास पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। प्रशासन रास्ता साफ करने में लगा हुआ है। 50% छूट के साथ मिलेंगे चीनी नमक। मंत्री रेखा आर्य ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार 16 मई को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग के जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही गरीब जनता को 50% छूट के साथ नमक और चीनी मिल सके, इसको लेकर भी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर व्यापारियों का धरना, भाजपा नेता ने जताया ऐतराज। मसूरी माल रोड का काम कई दिनों से अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ग्रीन चौक पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश ढोंडियाल ने व्यापारियों और आम लोगों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर ऐतराज जताया है। भूस्खलन के चलते महीनों से बदहाल है कार्ड गोदाम हेड़ा खान सड़क। नैनीताल जिले के 200 गांव हो रहे प्रभावित। नैनीताल जिले की कार्ड गोदाम हेड़ा खान सड़क भूस्खलन के चलते महीनों से बदहाल पड़ी हुई है। इस सड़क के बदहाल होने से 200 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इस मार्ग पर लगातार भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द सड़क का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। नशे की लत ने रिजवान को बना दिया चोर, 5 लाख के गहनों के साथ हुआ गिरफ्तार। सेलाकुई थाना पुलिस की को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी का मामला का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी के गहने भी बरामद कर लिए हैं। इन गहनों की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी पहले ही चोरी के 2 मामलों में जेल जा चुका है। खटीमा में बाघ के डर से घरों में दुबकने को मजबूर लोग, प्रशासन से कही और बसाने की मांग। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत इलाके खटीमा में इन दिनों बाघ की दस्तक से लोग डरे हुए हैं। झाऊ परसा और बगुलिया गांव में बाघ कई लोगों पर हमला कर चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर उन्हें बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। रुड़की में एक मकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। रुड़की के गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी पड़ताल चल रही है। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, सभी जिलों में गठित होगी रोगी कल्याण समिति, MLA होंगे अध्यक्ष। प्रदेश के सभी जिला स्तर के चिकित्सालयों का बेहतर ढंग से संचालन हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति का गठन करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण से लेकर तमाम स्वास्थ्य जाँचों की दरों को भी एक समान करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेसी मेयर और पार्षदों ने लगाए मुख्यमंत्री धामी जिंदाबाद के नारे, इसी आड़ में हटा दिया अतिक्रमण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दिए बयान और उनके बाद प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से प्रेरणा लेते हुए हरिद्वार नगर निगम मेयर अपने पति और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी पार्षदों के साथ नगर निगम की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने पहुंचे। यहां इन लोगों ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अतिक्रमण हटाया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई जा रही मुहिम के आधार पर ही वे नगर निगम की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने यहां पहुंचे हैं।